उत्तर प्रदेश के संभल मस्जिद विवाद को लेकर हुई हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 29 नवंबर को अहम दिशा निर्देश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से कहा है कि जब तक संभल जामा मस्जिद के सर्वे के खिलाफ मस्जिद कमेटी की याचिका हाईकोर्ट में लंबित है, तब तक वो मामले में आगे की कार्यवाही न करें। इसके अलावा सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से ये भी पूछा कि वो सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आए, वहां आने से पहले हाईकोर्ट क्यों नहीं गए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में अगली सुनवाई 6 जनवरी को होने वाली है। दरअसल ये याचिका संभल की शाही जामा मस्जिद की कमेटी ने दाखिल की है। मस्जिद पक्ष ने स्थानीय कोर्ट के सर्वे के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या 227 के तहत हाईकोर्ट जाना उचित नहीं होता, बेहतर होगा कि हम इस याचिका को यहीं लंबित रखें। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा है कि अपनी दलीलें हाईकोर्ट में उचित पीठ के सामने दायर करें। सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर को रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में रखने और इसे साझा न करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इसे पब्लिक न किया जाए। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा है कि वो इस बात का खास ख्याल रखें कि संभल में शांति और सद्भाव बना रहे। सुनवाई के दौरान सीजीआई ने कहा कि जिला प्रशासन सभी दलों के प्रतिनिधियों के साथ शांति समिति बनाएगा। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर दोनों पक्ष अपने आवेदन कर सकते हैं। वहीं याचिकाकर्ता ने कहा है कि देश भर में इस तरह के 10 मुकदमे लंबित हैं, जिसमें से 5 तो यूपी से ही हैं। इस मामले में जो तरीका अपनाया जा रहा है वो ये है कि पहले मुकदमा दायर किया जाता है और उसके बाद कहानी घड़ी जाती है, ऐसा मुस्लिम पक्ष का कहना है। गौरतलब है कि निचली अदालत के आदेश के बाद एडवोकेट कमिश्नर द्वारा संभल जामा मस्जिद का सर्वे किया गया। इस सर्वे के दौरान ही बीते दिनों संभल में हिंसा भड़की, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने हालात को देखते हुए एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट को सील बंद लिफाफे में रखने और जारी न करने का भी निर्देश दिया है। वहीं आज ही संभल की चंदौसी सिविल कोर्ट में मस्जिद के सर्वे की रिपोर्ट सौंपी जानी थी, जिस पर सुनवाई होनी थी, लेकिन सर्वे करने वाली टीम का कहना है कि हिंसा भड़कने के कारण ये रिपोर्ट तैयार नहीं हो पाई, जिस वजह से इसे आज पेश नहीं किया जा सका। सीनियर एडवोकेट रमेश राघव ने कोर्ट से और समय की मांग की है। अब संभल की सिविल कोर्ट इस मामले में 8 जनवरी को सुनवाई करेगी। वहीं इससे 2 दिन पहले यानी 6 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अहम सुनवाई करने वाला है, और जो सुप्रीम कोर्ट दिशा निर्देश देगा उसके बाद ही उसी आधार पर संभल की सिविल कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है। हेल्थ खबर में इतना ही, जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक लाते रहेंगे। देखते रहिए बीपी लाइव। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।